हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने पोलराइड कैमरा देखा है या यूज़ किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अर्थ स्वीक्स में आप सभी का बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं सफाई कर रहा था तो मुझे एक अलमारी में अपना पुराना कैमरा मिला पोलराइड का, जिसका कि इस्तेमाल हम लोगों ने तो किया है, लेकिन आज की जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि बच्चे आजकल मोबाइल में कैमरा होता है सब कुछ उसका इस्तेमाल करते होंगे। तो चलिए मैं देर ना करते दिखा देता हूँ पोलराइड कैमरा। उस समय, आज से काफ़ी समय पहले मैंने लिया, तब ये 5000 के आसपास की कॉस्ट थी। आज भी वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, इसका इस्तेमाल कम ही होता था क्योंकि जो पिक्चर्स आप निकालते थे वो ज़्यादा कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, आप पर्सनली उसके लिए ही यूज़ कर सकते थे उसको। तो ये देखिए कुछ इस तरह का होता था। पीछे में यहाँ पर इसकी फ्लैश होता था, फ्रंट में ऊपर से आप इस तरह खोल लेते थे, ये फ्लैश हो गया। आपको फ्लैश ऑन या ऑफ करने के लिए, फ्लैश ऑन करना है या फ्लैश ऑफ करना है। बीच में ऑटो, इस तरफ ऑफ हो गया, इस तरफ ऑन हो गया। तब मैं एक फोटो खींचता हूँ, अगर आपको 2 से 4 फीट की फ़ोटो खींचनी है तो आप इस नॉब को राइट साइड में रखेंगे तो ये लेंस यहाँ पर खुल जाता है, और अगर आपको इन्फिनिटी तक खींचना है, 4 फीट से इन्फिनिटी, तो आप इसको लेफ़्ट साइड में रखेंगे। इसका ऑपरेशन बहुत ही सिंपल और आसान था। फ्लैश, पोलराइड जानी मानी कंपनी, फ्लैश और फ्लैश को आप बीच में रखेंगे तो ऑटो, और ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर लेंस, और यहाँ से आप डिस्टेंस डिसाइड कर सकते हैं कितनी दूरी की फ़ोटो खींचनी है, तो यहाँ से आपका रिज़ल्ट इमीडिएटली बाहर आ जाता था। सेफ, कॉम्पैक्ट, और हर बार आपको इसमें कार्टिज इसके साथ ही आती थी, कार्टिज के अंदर ही सेल हुआ करता था, जिसमें कि 10 या 12 फोटो आप खींच सकते थे एक बार में। तो बहुत ही हैंडी था, पर्सनल, आपको अचानक कहीं फ़ोटो खींचनी है, अपने पर्सनल मोमेंट्स को सेव करके रखना चाहते हैं, तो ये आईपीस यहाँ से देखते थे। पोलराइड कंपनी का कैमरा, और यहाँ से ये खुल जाता था। देखिए, आप इस बटन को नीचे करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये नीचे खुल जाएगा, और यहाँ पर कार्टिज लगती थी, ये सामने आप देख सकते हैं कार्टिज, ये देखिए अभी भी कार्टिज के अंदर है। अगर मैं चाहूँ तो कुछ पिक्चर्स खींच सकता हूँ, कई साल हो गए इसको, तो इस तरह से आप अंदर दबा के कार्टिज लोड हो जाती थी। और अभी भी इसके अंदर इतने साल के बाद भी आप देख सकते हैं बरकरार है। हूबहू जैसा ख़रीदा था वैसा का वैसा, सीन्स रिकॉर्ड कर सकते थे। हाँ, थोड़ा सा महंगा पड़ता था, इसकी कार्टिज थोड़ी सी महंगी आती थी, और एक बार में 10 या 12 पिक्चर्स ही आप खींच सकते थे। हालांकि उसमें एक फ़ायदा ये था, आपको प्रोसेस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इस कैमरे में प्रोसेस्ड फिल्म ही निकलती थी, आप जैसे ही बटन दबाते थे रिकॉर्ड, जैसे आप पिक्चर खींचते थे यहाँ से, उसके साथ ही इस स्लॉट से प्रोसेस्ड पिक्चर आपकी बाहर आ जाती थी, और आप उसको 1-2 मिनट के लिए बाहर छोड़ देते थे, सूख जाती थी, वो फिर हमेशा के लिए आपके पास स्टोर हो जाती थी। तो एक बहुत ही बढ़िया कैमरा हुआ करता था, कई बार आपने मूवीज़ में, पिक्चर्स में भी देखा होगा, ताल में या कौन सी मूवी में दिखाया गया था। तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कर रखा है थैंक यू वेरी मच, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी पहले मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और क्या देखना चाहते हैं वो बताइए।
और आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।